अभी आपको हम क्रोम पे दिखा देते हैं इसका यूआई किस तरह से है और ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया था कि बीजी रिमूव डालेंगे, यहाँ पे मैंने बीजी रिमूव डाला और एंटर कर दिया, तो ये हमारा पहले लिंक में लिख कर आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम द इमेज, और हमारा है www.bgremove.bg। ठीक, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऑनलाइन टूल ओपन हो के आ गया है। तो ये इसका यूआई कुछ इस तरह से है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस पर चेक कर सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसकी प्राइसिंग देखना है आपको तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, देखिए यहाँ पे डेमो भी दिया हुआ है कि हमारी इमेज अगर बैकग्राउंड के साथ है तो वो रिमूव करके किस तरह से कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से एक एग्जांपल के उस पर ये देखिए हमारी इमेज ऐसी थी और हमने बीजी रिमूव पे अपलोड की तो इस तरह से हो गई। ठीक, यहाँ पे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है कि आप बैकग्राउंड इमेज रिमूव करके उसमें नए नए बैकग्राउंड्स भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिज़ाइन भी, तो ये सारी फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और है इसमें जो कि आप 12 MB से नीचे की ही इमेज इस पर अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारी कोई इमेज 12 MB से ऊपर है तो वो हम इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपको चलिए दिखाते हैं कि हम किस तरह से इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने किया अपलोड इमेज, ये हमारी एक इमेज रखी हुई है यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया ओपन, तो ये अभी लोड हो रही है, अपलोड हो रही है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है कि पेस्ट एन इमेज और यूआरएल, मतलब आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और इमेज का अगर आपके पास कोई यूआरएल है तो आप वो भी ऐड करके उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी इमेज, अब देखिए बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया है, ये लोड होना शुरू हो गई है। तब तक आपको इधर का साइड का बता देते हैं, या देखिए डाउनलोड लिखा है प्रीव्यू इमेज, मतलब जितनी हमारा प्रीव्यू देख रहा है आप उतना भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हाई रेजोल्यूशन में, मतलब जितना हमने अपलोड करी थी आपको उसी रेजोल्यूशन में चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, तो वो अभी इमेज लोड हो गई है। फिर आपको दिखाते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें एडिट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी इमेज लोड हो गई और ये प्रॉपर तरह से एकदम एकदम फिनिशिंग के साथ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, देखिए पूरी इमेज आ गई। ठीक, अब एडिट पे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए एक पॉपअप ओपन होकर आता है, ये देखिए हमारा पॉपअप ओपन होकर आया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप फोटो को किस तरह से ब्लर भी कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इरेज रीस्टोर, इसका जैसे आपको कुछ रह गया है तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करके वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, आप उस ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको डाउनलोड करना है तो नॉर्मल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए एक बटन आ गई है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये कैसी देख रहे हैं, ये बिफोर की इमेज और ये आफ्टर की इमेज, इसका हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने देख रहे हैं एकदम सही से रिमूव हो गई, और जो हमारी पहले की इमेज थी वो आपको दिखाते हैं, कुछ हमारी ये पहले की इमेज थी, इसको हम इसके साइड में ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, देख रहे हैं डिफरेंस दोनों इमेज में, तो ये डिफरेंस है हमारा इमेज में। तो आप इस तरह से इसको इसका बैकग्राउंड क्विकली रिमूव कर सकते हैं।